140 रुपये बहुत ज्यादा दिल पे लग गए हैं। यो यो यो, आप जो मेरे पीछे यार ये जगह देख रहे हो, रोशन दी कुल्फी। ये जी रोशन दी कुल्फी करोल बाग में बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया कि यहाँ की कुल्फी बड़ी टेस्टी है। तो हमने कहा यार हम भी टेस्ट लेके देख लेते हैं, एक बार जाके अभी बाय करता हूँ मैं और खा के देखते हैं कि कैसी है इसका, क्या है क्वालिटी, क्या है प्राइस और क्या है टेस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है मेरे को। ठीक है जी, चलो देखते हैं। ये देख लो जी, ये आ गया जी, हमने लिया ये पिस्ता कुल्फी फलूदा, पिस्ता कुल्फी फलूदा लिया जी। और ये है जी 140 रुपीज़ का। यार क्वांटिटी के हिसाब से मुझे 140 रुपये बहुत ज़्यादा दिल पे लग गए हैं। बहुत ज़्यादा यार 140 का ये क्वांटिटी के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा लगा। और देखते हैं कि क्या टेस्ट है इसका, खा के भी देख लेते हैं। ये टूट रहा जी इसका। हाँ ये जी कुल्फी देख लो, ये फलूदा ऊपर से मीठा कुल्फी मीड ऑफ वो डाला हुआ है फलूदा टाइप। और ये है जी इनकी कुल्फी और मैं खा के देख लेता हूँ क्या ही है। भाई तो कोई मीठा मीठा अच्छा लगना ही था और अच्छा भी लग रहा है ये, लेकिन जो मुझे पिंच कर गई ना, मेरे दिल पे लग गई है, जो इन्होंने जो मेरी मौज कर दी अब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया मेरे पे कि 140 रुपये की यार ये क्वांटिटी दे रहे हैं। यार ये तो 70-80 में मिल जाता है। और अगर आप लाजपत नगर में भी जाएंगे, कोई भी इलाके में जाएंगे, आपको ये 100 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं हो सकती इसकी। दोबारा से खा लेता हूँ कि मुझे तसल्ली हो जाए कि 140 रुपये खर्चे। ये आ गया जी। ओवरऑल एक बहुत अच्छा टेस्ट है, टेस्ट में कोई कमी नहीं लग रही मुझे। लेकिन ऐसा भी नहीं है ये टेस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, ये टेस्ट मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको 140 रुपये की जेब ढीली करनी पड़ेगी। मंडी का दौर चल रहा है दोस्तों, 140 रुपये आपको कीमत पता है कि बहुत ज़्यादा है, पिंच होती है। कोई बात नहीं, वन ट्राई है। अगर आपके पास 140 रुपीज़ हैं इस क्वांटिटी के लिए तो आप बेशक खर्चिए। चलिए बात करते हैं यहाँ के ओनर से, जो कक्कड़ पकौड़े वाला है, जो कि करोल बाग में बहुत सालों से हैं। वो पता करते हैं कितने साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, कितने साल से इनका काम ये धूमें मचा रहा है। तो सर वेलकम टू छोटा हंडी। थैंक यू सो मच। सर अपना नाम बताएं प्लीज। जी मेरा नाम जितेंद्र सिंह कक्कड़ है। जितेंद्र सिंह जी, ये आप कितने साल से यहाँ पे? सर हम यहाँ पे 1988 से हैं। 1988 काफी और साल हुए। करोल बाग में मेरे फादर की शॉप 1964 से है। अरे भाई साहब क्या बात है, शुरू से हमारा ये खाने पीने का पकोड़े वगैरह का काम है। तब से मतलब 1964 से ही आपका पकोड़ा? जी हाँ, पहले हमारी गफार मार्केट के पास शॉप होती थी और यहाँ पे हम 98 से। जी तो सर क्या क्या सर्व करते हैं, कौन कौन से तरह के पकोड़े सर्व करते हैं? हमारे पास सब अलग अलग किस्म के होते हैं, आलू के हैं, गोभी है, पालक है, प्याज है, पनीर है, पनीर वाले ब्रेड है, समोसे हैं। अच्छा जी। और हमारा जो सबसे ज्यादा फेमस है वो आलू वाला ब्रेड पकौड़ा और समोसे हमारे बहुत फेमस है। समोसे और आलू वाला ब्रेड पकौड़ा जी। तो सर क्या प्राइस रेंज रखी है आपने? समोसा 10 रुपये का है और ब्रेड पकौड़ा 20 रुपये का है। चटनी में सर काफी सारा सामान लगता है, जैसे अमचूर, गुड़, धनिया, पुदीना, पालक, हरी मिर्च, क्या बात है, सुंड जी, ये सब मिक्स करके चटनी बनाई जाती है। क्या बात है, क्या ये हमारी अपनी है और पिछले 50 साल से ये चटनी हमारे यहाँ पे चलती है। तो भैया कितने बजे काम शुरू हो जाता है आपका ये? सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक। अच्छा जी, और प्रिपरेशन कब शुरू हो जाती है पकौड़ों की? सुबह 7 बजे बनना शुरू हो जाते हैं। 7 बजे बनना शुरू हो जाते हैं भाई जी, फिर वो 10 बजे तक सब माल तैयार करके हम लोग, सेल टाइम हमारा 10 बजे। क्या बात है, क्या बात है। ये थे जी हमारे जितेंद्र सिंह कक्कड़ जी, कक्कड़ पकौड़े वाले के ओनर। हमारे पास करीब 20-20 साल पुराने कस्टमर भी आते हैं। क्या बात है। अभी पीछे एक लेडी आई हुई थी जी, उससे पहले पकौड़ा खाया, फिर वो कहती कि आपका टेस्ट वही 20 साल पुराना है। क्या बात है यार। तो चलिए एक बार इनका प्रोसेस देख लेते हैं कैसे बनते हैं पकौड़े। ये आ गया जी हमारा ब्रेड पकोड़ा और आलू ब्रेड पकोड़ा और इनकी खास चटनी जो है, और ये इनका बेस्ट सेलेबल आइटम्स में से एक है, ये समोसा एंड ब्रेड पकोड़ा। ये दोनों चीज़ें हम ट्राई करने वाले हैं, बाकी और भी पकोड़े हैं, लेकिन अभी हम जो इनकी बेस्ट सेलेबल आइटम है वही ट्राई करेंगे।
ये आप देख सकते हो यार, इनकी सारी ही आइटम है, पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा भी है, पालक पकौड़े, आलू पकौड़ा, मिर्च पकौड़ा और मिक्स पकौड़े सब तरह के हैं। ये है इनका ब्रेड पकौड़ा, उसकी फिलिंग देख लेते हैं। ये देखो जी, ये भरा पड़ा इनका आलू का मिक्सचर मसाला जो इनको कह सकते हैं हम, ये है जी पूरा प्रॉपर वे में भरा हुआ है। वो टच करने में काफ़ी सॉफ्ट है यार। और इनकी चटनी की तारीफ़ काफ़ी सुनी थी यार मैंने, चटनी इनकी बहुत ख़ास होती है। अभी अंकल जी ने भी बड़ा रेफ़र किया कि आप देख सकते हो इनकी चटनी भी है। चलो खा के देखते हैं यार एक बाइट कैसी है ओवरऑल। आपको चटनी चाहे हरी दिख रही हो लेकिन खाते एक मीठा टेस्ट आने वाला इसका। और ब्रेड पकौड़ा यार बड़ा सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेट समोसे जो ब्रेड पकौड़े होते हैं लाइट वेट बड़े, वैसा एक फील आ रही है हल्की हल्की ब्रेड का, प्रॉपर एक टेस्ट आ रहा है ऊपर से जो इनका बेसन का वो पेस्ट लगा हुआ है। लेकिन चटनी जो मिल नहीं थी, मैंने सोचा था चटनी इनका तीखा टेस्ट होगा, लेकिन वो तीखा तीखा टेस्ट नहीं आ रहा मुझे, बड़ा मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल एक अच्छा स्नैक है, ट्राई कर सकते हो आप। करोल बाग में आओगे तो आपको आना पड़ेगा ये कक्कड़ पकौड़े वाला। भाजी अरे एड्रेस किया गया, शॉप नंबर 21 है, शॉप नंबर 21 बैंक स्ट्रीट करोल बाग, इसको लोग ज्वेलर्स के लेन के नाम से भी पहचानते हैं। करोल बाग थाने की बैक साइड पे है ये, और आप ये पीसी ज्वेलर्स है बहुत बड़ा हमारे बिल्कुल सामने, तो ये आप मेन पहचान करोल बाग की यही। ये देख लो जी यार इनका समोसा है, ये 10 रुपये की कॉस्टिंग है इसकी। ब्रेड पकौड़ा आलू वाला 20 का था और ये है 10 का। ये देख लो जी इसकी स्टफिंग ज़्यादा ही जल्दी खुल गया सारा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैंने सोचा था आलू चिपके होंगे। ये देख लो जी इनका प्रॉपर ये स्टफिंग है इसकी आलू समोसे की। चलिए खा के भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बाइट मार के देख लेते हैं क्या है। जो इनकी चटनी है ना मीठी, वो ओवर पावर कर रही है हर इनके समोसे के टेस्ट पे भी और ब्रेड पकौड़े के टेस्ट पे भी। अगर आप विदाउट चटनी खाओगे तो एक अलग टेस्ट आएगा, विद चटनी खाओगे तो एक मीठा मीठा टेस्ट निकल के आने वाला। मुझे कंपैरेटिवली इनके समोसे से अच्छा लगा इनका ब्रेड पकौड़ा, काफ़ी सॉफ्ट है, आलू की जो इन्होंने मसाला डाला हुआ आलू का मसाला वो भी काफ़ी अच्छा है और लाइट वेट है, यू कैन हैव इट। समोसे में क्या खास है? समोसे के अंदर हम आलू पहले उसको काटते हैं बारीक बारीक, फिर उसको फ्राई करते हैं जी। उसके बाद हरी छिलके वाली दाल होती है और रात को भिगो के रखी जाती है जी, आलू में। हाँ, उसको थोड़ा तड़का लगाया जाता है जी। फिर आलू दाल मटर धनिया पुदीना ये सब मिक्स करके समोसे का मटेरियल बनाया जाता है, फिर उसकी स्टफिंग होती है जी। तो भैया ये चटनी का राज बताइए, चटनी देखने में हरी है लेकिन खाने में मीठी मीठी है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी पालक डाला जा रहा है और बहुत सारी मात्रा में पुदीना और धनिया डाला जाता है। अच्छा जी, इसलिए वो हरी है। अच्छा, हरी चटनी देखने में अच्छी लगती है जी। और उसमें अमचूर डाला जाता है खटाई के लिए जी। और गुड़ डाला जाता है मीठे के लिए ओके, ओके, और बारीक बारीक हरी मिर्चा डाली जाती है उसमें थोड़ा स्पाइसी बनाए जी, जी, तो उसको गाढ़ा थिक बनाने के लिए उसमें इतना सारा मटेरियल डालते हैं ताकि वो कस्टमर को अच्छा लगे। बाजार में मिलने वाली सब अच्छी नहीं होती, इसलिए हम अपनी खुद बनाते हैं रोज डेली। क्या बात है, थैंक यू भैया हमसे बात करने के। थैंक यू सो मच। और ये था जी आज का रिव्यू, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और सब्सक्राइब तो यार कर दिया करो और कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना यार कहाँ कहाँ अच्छी अच्छी जगह है, वहाँ का भी मैं रिव्यू कर लूँगा। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।